एयर इंडिया को अपना बनाने के बाद टाटा ग्रुप ने एयरलाइन कंपनी के कायाकल्प की तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि इस कायाकल्प में कई कर्मचारियों की नौकरी पर बात आ गई है। नई एग्जीक्यूटिव टीम हर वो कोशिश कर रही है जिससे एयर इंडिया को बेहतर बनाया जा सके। लागत को घटाने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के मकसद से रिट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। यहां तक कि कंपनी ने VRS यानी कि स्वैच्छिक रिटायरमेंट स्कीम भी शुरू कर दी है। इस स्कीम की जद में एयर इंडिया के करीब 3,000 कर्मचारी आएंगे। खास बात यह है कि एयर इंडिया ने स्कीम के तहत क्लेरिकल और अनस्किल्ड स्टाफर के लिए रिटायरमेंट एज 55 साल से 40 साल यानी 15 साल घटा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि एयर इंडिया 40 से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को VRS देने का मन बना रही है। टाटा हर कीमत पर कंपनी को बेहतर करना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा पुराने कर्मचारियों से छुटकाना पाना चाह रही है जो पुराने सिस्टम में काम करते करते उसमें इतना अधिक ढल चुके हैं कि शायद ही नए बदलावों को अपना सके। एयर इंडिया के ह्यूमन रिसोर्सेज चीफ सुरेश दत्त त्रिपाठी ये स्कीम लेकर आए हैं जो 1 जून से लागू हो चुकी है, जिसके तहत अगर कोई जुलाई के अंत तक रिटायरमेंट लेता है तो उसे स्पेशल इंसेंटिव मिलेंगे। एयर इंडिया में अभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानों को उड़ाने के लिए पायलट और केबिन क्रू अलग अलग हैं। ऐसे में कंपनी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत सभी क्रू मेंबर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के विमानों में आसानी से काम कर सकेंगे। एयर इंडिया की इस नई व्यवस्था से कुछ कर्मचारी नाराज हैं जिन्होंने शिकायत की है कि उनसे बातचीत किए बिना ही ये बदलाव कर दिए गए हैं। हालांकि अधिकतर कर्मचारी समझ रहे हैं कि अब कंपनी टाटा के हाथों में है और उसके तमाम मुद्दों पर कंपनी विचार करेगी। कंपनी अपनी बिजनेस की काया पलट करने की पूरी तैयारी कर रही है। यहां तक कि एयरलाइन के इतिहास में पहली बार है जब केबिन क्रू के लिए भी VRS लाया गया है। हालांकि इस VRS स्कीम में पायलट को शामिल नहीं किया गया है। नए सिस्टम में पायलट और क्रू मेंबर के वर्किंग आवर यानी काम के घंटों को भी तय किया गया है। मौजूदा सिस्टम में देखा गया है कि कुछ क्रू मेंबर 90 घंटों की फ्लाइट कर रहे हैं तो कई सिर्फ 20 घंटे की फ्लाइट उड़ा रहे हैं। ऐसे में अब दोनों के बीच अंतर को खत्म करने के लिए बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, पायलट को अब अपने आधिकारिक बेस से ड्यूटी कर रिपोर्ट देनी होगी। अभी तक की व्यवस्था में वो अपनी पसंद की किसी भी जगह से फ्लाइट लेते थे और वहाँ जाने में होने वाले ट्रैवल पर खर्च और होटल में रुकने का खर्च भी कंपनी के नाम फाड़ दिया करते थे। नए बोइंग विमानों के लिए नेगोशिएशन भी हो रहा है जबकि पुराने विमानों को बेहतर किया जा रहा है ताकि लागत और क्वालिटी दोनों का ध्यान रखा जा सके। एक अधिकारी के मुताबिक उन विमानों को हटाया जा रहा है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। इतना ही नहीं, पायलट और क्रू मेंबर मैनुअल रोस्टरिंग को भी बंद कर दिया गया है। इसकी जगह इलेक्ट्रिक रोस्टरिंग भी शुरू कर दी गई है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। बता दें कि एयर इंडिया में 12,000 कर्मचारी काम करते हैं जिनमें से 8,000 कर्मचारी स्थायी और 4,000 अस्थायी हैं। एयर इंडिया का मानना है कि 5,000 ऐसे स्थायी कर्मचारी हैं जो अगले 5 साल में रिटायर हो जाएंगे।